ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए मशहूर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। शनिवार रात को दुबई के एक होटल JW मैरियट मार्केट में आयोजित एक रंगारंग समारोह में विशिष्ट अतिथि दुबई के राज परिवार के हिज एक्सीलेंसी याकूब अल अली, कार्यकारी निर्देशक और निजी सलाहकार ऑफिस ऑफ हिज हाईनेक शेख जुमा बिन मकतूम अल मकतूम ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जागरण प्रकाशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट देवेश गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समारोह में झांसी के समाजसेवी संदीप सरावगी को सापत्निक नई दुनिया अचीव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। समारोह के पूर्व डॉक्टर संदीप एवं याकूब अल अली के मध्य व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें झांसी जनपद में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तत्पश्चात समारोह में संबोधित करते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि दुबई में दुनिया भर से घूमने आने वाले सैलानियों को विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। सैलानी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, यही कारण है कि दुबई में भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। कुछ ऐसा ही सुरक्षा का माहौल अब भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देशवासियों और सैलानियों को मिल रहा है, जिससे आज हमारा देश पूरे विश्व में अपनी अलग शाख बना रहा है। समारोह में विशिष्ट अतिथि हिल्स एक्सीलेंसी याकूब अल अली ने पूरे समय समारोह में मौजूद रहे और सभी विजेताओं के साथ व्यक्तिगत फोटो भी लिए, जिसे सभी ने सराहा। भारतीय मूल की मिस यूनिवर्स दुबई पूजा सुधा द्वारा किए गए मंच संचालन ने खूब तालियां बटोरी। आयोजन के अंत में मेहमानों ने पारंपरिक वैली डांस काफी आनंद उठाया। समारोह में नई दुनिया एवं नव दुनिया के CEO संजय शुक्ला व हेड ऑपरेशंस नरेश पांडे एवं डॉक्टर संदीप सरावी की पत्नी एवं समाज सेविका सपना सरावागी भी उपस्थित रही। और उसी को आज हम लोग भी वर्ल्ड में कई जगह गए अपनी बाइक के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन जो तरीका है, मतलब वास्तव में जहाँ के अपने आप को सेफ महसूस करता है आदमी कि नहीं, हमारे संग कोई गलत नहीं होगा। आज ही का हादसा है कि एक हमारे मैडम का चश्मा छूट गया था, तो वो गाड़ी वाला स्वयं देने के लिए आया। तो इससे लगता है कि वास्तविकता में जो शासन करने वाले हमारे लोग हैं, जैसे कि हमारे इस समय भारतवर्ष में योगी जी और मोदी जी शासन कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कि ऐसे ही लोगों को रहना चाहिए शासन करने के लिए। लेकिन आपको भी बहन जी बताना चाहते हैं और नई दुनिया को और हम राजा साहब को, पूरी वर्ल्ड में हम लोग भी घूमे हैं, लेकिन खुशबू जो भारतवर्ष की भूमि में है उसके क्या कहने। और धन्यवाद करना चाहते हैं दुबई राजा जी को, रॉयल फैमिली को एंड आप लोगों को, सब लोगों को बहुत बढ़िया लगा आज की शाम के लिए। सारे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नई दुनिया एंड एवरीबॉडी। झांसी से UD News के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।